If a salary is 20% more than b then how many percent is b salary less than that of a ए यदि a का वेतन b से बीस परसेंट अधिक है तो b का वेतन a से कितने प्रतिशत कम है निकालना है यहाँ पे दो पर्सन हैं, एक है a और दूसरा है b. क्वेश्चन में दिया हुआ है ए सैलरी इज ट्वेंटी परसेंट मोर देन बी यानी कि यहाँ पे कोई एग्जैक्ट अमाउंट नहीं दिया हुआ है कितना ज्यादा है क्या है ज्यादा ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है सैलरी ए का बी से तो यहाँ पर रेफरेंस किसका लेना है बी का बी का रेफरेंस लेना है और यहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे परसेंटेज भी दिया हुआ है कि ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है तो इस तरह के क्वेश्चन में जहाँ पे परसेंटेज दिया होता है वहां पे बेस वैल्यू को हमेशा हंड्रेड मानते हैं तो अगर बी का सैलरी सौ है तो ए का सैलरी कितना है बीस ज्यादा है किससे ज्यादा है सौ से बीस ज्यादा है यानी अगर बी का सैलरी सौ है तो ट्वेंटी परसेंट ज्यादा ए का सैलरी तो कितने से ज्यादा है सौ से बीस ज्यादा है ट्वेंटी परसेंट कहने का मतलब है सौ से बीस ज्यादा है तो कितना हुआ यहाँ पे ए का सैलरी वन ट्वेंटी आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? है कितना परसेंट कम है किससे कम है ए से यानी कि जो रेफरेंस था जो पहले बी से हम लोग निकाल रहे थे बी से कंपेयर कर रहे थे अब वो रेफरेंस ए पे चला गया है यानी कि बी का जो सैलरी है वो कितना कम है कितना परसेंट कम है ए से तो यहाँ पे रेफरेंस किसका लेना है ए का सपोज अगर ए का सैलरी सौ है तो बी का सैलरी कितना कम है ए से कितना परसेंट कम है ए से यहाँ पे बी के वैल्यू को अगर एक्स मान लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स का वैल्यू आ जाएगा हंड्रेड इंटू हंड्रेड डिवाइड बाई वन ट्वेंटी सॉल्व करेंगे 500 भाँग 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 यहां पे वैल्यू नहीं पूछ रहा है यहाँ पे, पे परसेंटेज पूछ रहा है कितना परसेंट बी का जो सैलरी है कितना परसेंट कम है ए से तो परसेंट निकालेंगे तो जब भी हम लोग परसेंट निकालते हैं तो बेस वैल्यू क्या लेते हैं हंड्रेड लेते हैं परसेंटेज लेस कितना हो जाएगा यानी कि सौ से कितना कम है हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड बाई सिक्स सिक्स हंड्रेड माइनस फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई सिक्स हंड्रेड बाई सिक्स फिफ्टी बाई थ्री इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा सिक्सटीन इज टू टू बाई थ्री परसेंट ये आंसर हुआ है।